सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल धाकड़ किसान को और पास ही आए बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ किसान चैनल में। तो दोस्तों, ऊटी लहसुन, जी हाँ, ऊटी लहसुन जो कि दूसरे लहसुन से सबसे अलग होता है, उसकी बुआई का समय भी अलग होता है, उसमें मिट्टी भी अलग किस प्रकार की ज़रूरत होती है, इसकी बुआई का सही समय क्या है, इससे कब ये फसल तैयार हो जाती है, जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे ऊटी लहसुन की बुआई का सही समय कौन सा है, इसे कब बोना चाहिए, इसे कौन सा खाद देना चाहिए, खाद खेत कैसे तैयार कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास आए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर प्रकार की नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रही। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूरी ऊटी लहसुन के बारे में कब बोना चाहिए, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसान भाइयों, जैसे कि जो ऊटी लहसुन होता है उसका सामान्य लहसुन से भाव भी अधिक तेज होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसको बुआई के लिए भी आपको अच्छे खेत का चयन करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सी मिट्टी में अच्छा पैदावार आपको दे सकता है। तो इसके लिए जो काली और भूरी मिट्टी होती है उसकी आपको ज़रूरत होगी सबसे पहले। उसके बाद आपको बीज को मंडी से ख़रीदना है, बढ़िया क्वालिटी का बीज ख़रीदना है, तो 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको लहसुन को क्या करना है, उसको 15 से 20 दिन धूप में सुखाना है ताकि थोड़ा सूख जाएगा, तो उसको उगने में, ग्रो होने में थोड़ी आसानी होगी। सुखा के आप उसे छिल ले और उसे तैयार कर ले, अच्छी तरीके से तैयार कर ले। और इसके बाद अगर हम बात करें खेत को कैसे तैयार करें, तो खेत में सबसे पहले आपको DAP की ज़रूरत पड़ेगी, 80 से 100 किलो एक एकड़ काफ़ी रहेगा। उसके बाद आपको जो पोटास होता है वो भी आपको 50 से 60 किलो एक एकड़ में डालना है। उसके बाद थोड़ा बहुत जिंक और सल्फर, और उसके बाद आपको इसमें जड़ में फंगीसाइड ना लगे, उसके लिए आप जो फंगीसाइड का पैक आता है 2 से 3 किलो काफ़ी रहेगा, जो कि कार्बनडा जिंक मैनगोजेब आता है, वो आप खाद में मिलाकर खेत बोने से पहले उसमें छिड़काव कर दे। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें एक एकड़ में लहसुन के बीज की, तो दोस्तों बीज 2 से 3 क्विंटल काफ़ी रहेगा, और ये उस पर निर्भर करता है कि जो लहसुन है उसकी क्या साइज है, कितने क्वालिटी का है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से बीज क्विंटल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, बीज तैयार करने के बाद हम बात करते हैं इसे खेत में बुआई करने की। तो दोस्तों, बुआई करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो आप उसे खेत में किस सीड ड्रिल या फिर मशीन के माध्यम से चौपा सकते हैं, या फिर जो हाथ लेबर लगा के उसे एक एक जो बीज होता है उसको ज़मीन में डाल सकते हैं। तो जो हाथ से बीज डालते हैं उसका जो पैदावार होता है वो लहसुन, तो उसमें बहुत डिफरेंस रहता है, और उसकी जो लहसुन की पैदावार होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें जो लहसुन होता है, ऊटी लहसुन होता है, इसके बुआई का सही समय क्या होता है, तो दोस्तों इसको अलग अलग एरिया में बहुत अलग अलग समय पर बुआई की जाती है। तो दोस्तों, जो ज़्यादातर अगर आपको इसकी पैदावार अच्छी लेनी है तो इसका जो बुआई का सही समय रहता है वो दोस्तों अगस्त सितंबर, यानी कि अगस्त और सितंबर, इन दोनों महीनों में आप इसकी बुआई करेंगे तो आपको इसमें जो पैदावार है वो भी अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना है, बारिश का मौसम रहता है इसलिए उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार अगस्त और सितंबर में आप जो ऊटी लहसुन होता है उसकी बुआई कर सकते हैं। और ये जो लहसुन है, अगर हम इसके तैयार होकर मंडी में जाने की कब तक तो बात करें, कब तक ये तैयार हो जाता है, तो दोस्तों ये आखिरी दिसंबर और जनवरी स्टार्टिंग में ये तैयार होकर
मंडी में जाने के लिए तैयार होता है, तब किसान भाई इसे निकाल कर इसे डायरेक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें वजन भी उस समय ज़्यादा होगा, गीला लहसुन, तो उस टाइम पे इसका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि ऊँटी लहसुन के ऊपर थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।